हेलो फ्रेंड्स, तो बिहार पॉलिटेक्निक के जितने भी छात्र हैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि विलिंगनेस जो है आप कैसे सबमिट कर सकते हैं। कहने का मतलब होता है कि मॉपअप काउंसलिंग के लिए जो लिंक एक्टिव होता है उसको कैसे आप अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से बता देंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, आप आ भी जाएंगे, उसके बाद एक नंबर पर यहाँ पर आपको शो हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन में विलिंगनेस फॉर DCSE PM मॉपअप काउंसलिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पर आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका रोल नंबर शो हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ जाएगा और 100 रैंक पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो चलिए हम यहां पे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको आगे दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही वहाँ पे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और 100 रैंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपका रैंक कार्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। रैंक आपके सामने ओपन हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर दिया, हाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से पढ़ सकते हैं कि सबमिट योर विलिंगनेस पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। सबमिट योर विलिंगनेस पे क्या करना आपको, क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इन्फॉर्मेशन नोटिस नोटिफिकेशन रिजल्ट इट्स पब्लिश्ड ऑन इंटरनेट और मिंट फॉर इमीडिएट इन्फॉर्मेशन फॉर एंड नोट फॉर एनी लीगल पर्पज, ठीक है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, सबमिट योर विलिंगनेस पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मॉपअप काउंसलिंग से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन ना छूटे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो सबमिट योर विलिंगनेस पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर विलिंगनेस एंड ऑप्शन आई डी, ठीक है। तो इस ऑप्शन आई डी को फ्रेंड्स आप क्या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है, शायद आगे काम दे। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रिंट पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में रैंक कार्ड की तरह ओपन हो जाएगा, मतलब डाउनलोड हो जाएगा, उसको संभाल कर रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रिंट पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स प्रिंट पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे PDF के रूप में जो है यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको जो है डाउनलोड कर लेंगे और मेरा काम जो है यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो आप भी फ्रेंड्स ऐसे ही बिल्कुल आसान स्टेप से कर सकते हैं। कोई डाउट अगर है आपके दिमाग में तो कमेंट कर दीजिएगा।